तो एक शुरू करें, शैल वी जी? सेट पर सबसे ज्यादा लेग पुलिंग किसकी होती थी? आप बड़ी करते थे एक दूसरे की. यू कैन से इट वाज 50-50. और हमारे प्रोड्यूसर की ज्यादा, हां सबसे ज्यादा पवन की हुई. पवन गेल जी, वो ज्यादा फंसे रहता था. दोनों ही और क्या. क्या इस सेट पे ये नहीं है, ये इंतजाम नहीं है, वो नहीं ये है, तो इधर वन एंड ओनली सोनम बाजवा. ओके नो, मैंने कभी ये तो नहीं बोला. देखो ये तो बहुत इल्जाम है, चीजों के लिए कोई इल्जाम नहीं है. अभी मैंने कब बोला ये इनको? नहीं हूं जूंडे पट दूंगी दो मिनट में. झूठ है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा. ये तो हेडलाइन बनने वाली है हमारी. ओके सोनम के बारे में एक चीज जो आपको बहुत पसंद है. सोनम के बारे में एक चीज जो बहुत पसंद है, ऑब्वियसली मतलब एदा एक पैशन है काम नू लेके, सारी चीजों नू लेके. मेहनत ही बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनती है हर काम नू, और हर काम सीरियस है जिहड़े चीजां च होना चाहिए ऑब्वियसली. और इदा नहीं कि सिर्फ काम 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 सारा दिन. ऑब्वियसली असी फूडी भी हाँ, फन लविंग, वर्कआउट भी असी कट्ठे ला लैंदे सी जिम च, मतलब बहुत चीजां. तां साडी मतलब मत जी भी मिलदी है दोस्तां, काफी टाइम हो गया इकट्ठे. सो एमी की एक क्वालिटी जो आप खुद के अंदर अडैप्ट करना चाहती हैं? देयर आर मेनी एक्चुअली, बट मैंने देखा है एमी, यू नो ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, ही इज़ वेरी फ्रेंडली. मतलब अगर वो किसी अनजान आदमी से भी मिले तो वो ऐसे नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि इंसान इनसे बात कर सकता है, इनका दोस्त बन सकता है. सो ही इज़ वेरी फ्रेंडली लाइक दैट, विच इज़ क्वाइट नाइस. जो कि मुझे लगता है कि वो चीज़ की कमी है, मैं शायद ऐसी इतनी फ्रेंडली वाइब्स देती नहीं हूँ. So I think that's one of the things that I would like to take. Set par sabse zyada late kaun aata tha? Bahut late? Bahut ta nahi, waise aadha ghanta 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 katthe ji jande se almost same hotel tha, to aage piche hi hoti thi gaadiyan almost. But aapne to Akshay Kumar ke sath kaam kiya hai. Wo bhi matlab 10 11 baje shuru karte the hum din mein. वो आपका वहम है कि बहुत अर्ली शुरू हो जाता है. हाँ पाजी करते हैं ऑलमोस्ट, जो उनके उनके पर्सनल काम है, उठते हैं सुबह वो 4:30 बजे उठ जाते हैं पाजी पक्के. और मोस्टली हमने जो लंदन में किया था स्केड्यूल, वो सुबह 9-10 बजे शुरू करके शाम 5-6-7 बजे तक पैकअप हो जाता था. और इंडिया वाले में हाँ था अर्ली, सुबह 7 बजे भी हुई है शिफ्ट, 6:30-6:30 बजे शुरू कर लेते थे, 7:30. और उनका क्या है, वो 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे से ज्यादा पाजी काम नहीं करते. तो उनको अगर 10 बजे बुलाओगे तो शाम को 6 बजे छोड़ना पड़ेगा, अगर सुबह 7 बजे बुलाओगे तो वो 1 बजे छोड़ना पड़ेगा, ना आगे ना पीछे. हाँ 8 घंटे पूरे, प्रॉपर 8 घंटे. तो लेकिन फिर भी 8 घंटे दे करके भी उनकी फिल्में देखो आप, 35-40 दिन इतने में फिनिश हो जाती है. काम तो वैसे भी ना 8 घंटे ही होता है, 8-9 घंटे ही होता है. आगे पीछे तो मतलब आप सुबह रख लो टाइमिंग, 6 बजे बुला लो या 6 बजे का कॉल टाइम रख लो, आर्टिस्ट 9 बजे आते हैं. एग्जैक्ट जो काम होता है ना वो 8-9 घंटे ही होता है. 8-9 घंटे बहुत होते हैं दिन में अच्छा खासा काम करने के लिए, अगर वेदर सही रहे. लेकिन जैसे वेदर का होता है, हम जैसे करते थे सुबह 10-11 बजे शुरू करते थे, 4-4:30 बजे दोबारा फिर अंधेरा हो जाता था, बिकॉज ठंड बहुत थी, नॉर्थ में पड़ती है, फोग बहुत रहती थी. तो लेकिन मज़ा बहुत आया शूट करके हमारी फिल्म.